मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलम् 150 निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः। वामति ब्रह्मसूत्र 215 पृष्ठ 550 नीचे से चौथी पंक्ति सर्वत्र भूतेन्द्रियादि स्वनुगता देवता अभिमानिनी रूप दिशन्ति मंत्रादयः यह हुआ। मंत्र अर्थवाद आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि देवता चेतन हैं और संसार में उनकी अनुगति भी परिलक्षित है। सर्वत्र भूतेन्द्रियादिषु अनुगता देवता अभिमानिनी उपदिशन्ति मंत्रादयः, इसलिए मंत्रादि उपदेश करते हैं। किनका? भूत और इंद्रिय आदि में देवता अनुगत हैं, भूतेन्द्रियादि के अभिमानी हैं। अभिमानिनी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग, इस दृष्टि से विचार करें तो आधिदैविक धरातल पर देवता चैतन्य सिद्ध होते हैं, चेतन सिद्ध होते हैं। जीवाधिष्ठित देवता को चेतन मानकर ही कहा गया है। कारण क्या है? ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, अविक्रिय है, लेकिन उसकी शक्ति त्रिगुणमयी प्रकृति है, माया है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, निरालंबोपनिषद का यह वचन है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नान न कौनते यह जगत भी परिवर्तते, यह गीता का वचन है। तो प्रकृति के द्वार से भगवान स्थावर जंगमात्मक प्रपंच के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं। जगत में चेतन की अधिदैव के रूप में अनुगति है, चाहे वो भूत हों चाहे इंद्रियां हों। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भूत हैं। प्राणियों के जो शरीर हैं इनका नाम भी भूत ही है। और इंद्रियां कौन हैं? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब इंद्रियां हैं। इनके अभिमानिनी देवता हैं, इनके नियामक देवता होते हैं। इसीलिए वेद वचनों में उपनिषदों में आता है पृथ्वी बोली, पृथ्वी कैसे बोल सकती है। इसी प्रकार इंद्रियों में भी चेतनता वचन के बल पर सिद्ध है। तो जहाँ जहाँ
जड़ में चेतनता सिद्ध है, वहाँ वहाँ चेतन देवता से अधिष्ठित होने के कारण वास्तव में उस जड़ वस्तु के नियंता नियामक चेतन देवता को समझना चाहिए। पिछले दिनों मैंने कहा कि इसी अधिकरण का अनुशीलन करके तुलसीदास जी ने आनंदगिरी और भाष्य के अभिप्राय को यूँ व्यक्त कर दिया, विषयकरण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय चिदधिष्ठित तो हैं लेकिन उनमें चेतना शक्ति अत्यंत क्षीण है, मंद है, अभिव्यंजक संस्थान वे स्फुट नहीं हैं, इसलिए सर्वथा ग्राही कोटि के ही पदार्थ होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनके अभिव्यंजक संस्थान सक चंदन वनिता आदि, इनकी अपेक्षा करणक ग्राम में विषयकरण चेतनता अधिक है। उसके पीछे कारण ये है, पैंगलोपनिषद के अनुसार अपंचीकृत पंच महाभूत जो हैं अर्थात सूक्ष्म जो तन्मात्राएँ हैं उनके द्वारा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय की अभिव्यक्ति हुई है राजस सात्विक अंश से, और स्थूल शरीर और बाह्य जो जगत वो पंचीकृत पंच महाभूतों के तारतम्य संघात हैं, इनमें तमोगुण की स्थूलता की प्रगल्भता है। तथापि स्थूल शरीर की यह महिमा है कि इसके बाह्य भाग में कर्मेंद्रिय पंचक और ज्ञानेन्द्रिय पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं, इसके अभ्यंतर भाग में अंतःकरण चतुष्टय और प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। तो किसी व्यक्ति की मूर्ति बना दी जाए, किसी व्यक्ति का चित्र ले लिया जाए तो नेत्र आदि के गोलक का तो उसमें दर्शन होगा लेकिन उसमें क्षमता नहीं है कि अतीन्द्रिय नेत्र आदि को व्यक्त कर सके। तो यह जो स्थूल शरीर है इसमें एक विशेषता यह है कि इसके बाह्य भाग में कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने और ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, अभ्यंतर भाग में अंतःकरण और प्राणों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। तो कई बार हमने बताया कि स्थूल शरीर समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। मनुष्य शरीर इसलिए विकसित माना जाता है कि इसमें समग्र सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने का संस्थान बाह्याभ्यंतर सिद्ध है। गर कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति बाह्य संस्थान से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की अभिव्यक्ति और अभ्यंतर संस्थान के योग से प्राण तथा अंतःकरण की अभिव्यक्ति होती है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है और जीव ईश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है, ईश्वर ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। अब यहाँ पर एक अतिरिक्त तत्व की गणना है, वो है देवता। जीव और भूतेंद्रिय के मध्य में देवता का अस्तित्व स्वीकार करके भगवत पाद शिवावतार भाष्यकार महाभाग ने सर्वत्र भूतेंद्रियादिषु अनगता देवता देवता इन शब्दों का प्रयोग किया। भूत और इंद्रिय में अनुगत अनुगत होकर के नियामक का नाम हुआ देवता। भूत और इंद्रिय में अनुगत होता हुआ माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भूत हैं, इनमें अनुगत होता हुआ जो इनका नियामक हो ऐसे इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां। और करण की दृष्टि से ले लें तो अंतःकरण भी है, करण कह देंगे तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण सबका ग्रहण हो जाएगा। और प्राण कह देंगे तो जैसा कि कल हमने बताया था कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण और प्राणादि प्रभेद का नाम प्राण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, भूत और करुणक ग्राम, इंद्रिय के स्थान पर करुणक ग्राम कर लें भूत। अब यह है कि प्राण के अधीन मन है या मन के अधीन प्राण गोरख धंधा है। प्राणमय कोष से उत्कृष्ट किसको माना गया,
मनोमय कोष को मनोमय कोष से उत्कृष्ट माना गया, विज्ञानमय कोष को, तो अंतःकरण के दो विभाग कर दिए, मन मन की प्रधानता से मनोमय कोष, विज्ञान मन बुद्धि, बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय कोष है, ज्ञान इंद्रियों का सन्निवेश मन में भी है और बुद्धि में भी है। जैसे सेना होती है, सेनाध्यक्ष के बदल जाने पर, रक्षा मंत्री के बदल जाने पर भी जो सेना पहले अमुक के अनुगत होकर काम करती थी, अब अमुक के अनुगत होकर काम करती है, तो ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा मन को भी है, ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा बुद्धि को भी है। अब प्राण जो है स्पंदन न दे, प्राण स्पंदन न हो, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय अपने व्यापार में समर्थ न हो, इस दृष्टि से प्राण का उत्कर्ष है। लेकिन प्राण की अपेक्षा मन में चेतना अधिक, इसलिए करण कोटि में प्राण नहीं है, जबकि करण कोटि प्रविष्ट क्या है, मन है, ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ, लेकिन स्पंदन तो प्राण के द्वारा ही है। जीवनी शक्ति प्राण की ओर से है और ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति जो है वो मन को लेकर है, दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। स्पंदन शून्य अगर हो जाए, प्राण के द्वारा स्पंदित ना हो, तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण व्यापार शून्य हो जाए, और दोनों में घनिष्ठ संबंध है। प्राण के निरोध से मन का निरोध हो जाता है और मन के निरोध से प्राण का निरोध हो जाता है। और कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में क्या कहा गया, प्रज्ञा और प्राण दोनों में तादात्म्य है। प्रज्ञा और प्राण, प्रज्ञा से तादात्म्यपन्न हो जाए प्राण, तो प्रज्ञा माने अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय को एक शब्द में कहना हो तो या तो अंतःकरण कहें या प्रज्ञा कहें, प्रज्ञा से तादात्म्यपन्न हो जाए प्राण तब समाधि, और प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा तब सुषुप्ति। बाल का ही अंतर है, प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए अंतःकरण, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सहित अंतःकरण माने प्रज्ञा शक्ति प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए, एकीभूत हो जाए, मोटी भाषा में विलीन हो जाए। विलय इसलिए संभव नहीं है कि भाष्यकार भगवान ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा लिखा कि उपादान में विलय होता है, प्राण कोई अंतःकरण का उपादान नहीं, इसलिए एकीभूतता तादात्म्यापत्ति का नाम ही यहाँ पर विलय है। प्राण भावापन्न अगर अंतःकरण हो गया तब क्या, कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ विलीन हो गई अंतःकरण में, कहाँ से बोल रहे, कठोपनिषद, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, ये कर्मेंद्रियों का या ही तादात्म्यापत्ति हो गई ज्ञानेन्द्रियों में, ज्ञानेन्द्रियों की तादात्म्यापत्ति हो गई मन में, मन की तादात्म्यापत्ति हो गई बुद्धि में, मन में चित्त का बुद्धि में अहम का अंतर्भाव हो गया, और बुद्धि भी क्या है, न तो सोबे न विक्षिप मल न विलय होता है, लय और विक्षेप से विहीन हो जाए, बुद्धि भी मल विक्षेप कहते हैं ना, तो निर्मल हो और विक्षेप शून्य हो और लय विहीन हो, तीनों से अर्थ है, लय विक्षेप रहितम, लय हो गया तो सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, विक्षेप में समाधि नहीं होगी, मन इतना निर्मल हो कि लय विक्षेप शून्य हो, वो सत्वगुण की प्रगल्भता से ही संभव है, और प्राण उससे तादात्म्यपन्न हो जाए, उसको भी हमने कहा था परसों, श्री ब्रह्मानंद जी ने पूछा था, तो प्राण अपान व्यान उदान समान ये जो वृत्ति भेद हैं आध्यात्मिक पवन के, ये वृत्ति भेद से शून्य स्पंदन मात्र प्राण रह जाए, और ऐसा प्राण प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति पांच प्रकार की चित्त वृत्तियां जो हैं
उन वृत्तियों से विहीन चित्त से एकीभूत हो जाए। वृत्ति शून्य प्राण का वृत्ति शून्य चित्त से तादात्म्यपन्न होना समाधि है। लो वह सूक्ष्म विभक्त। फिर प्रश्न उठेगा कि वो जो वृत्ति शून्य चित्त है उसके तादात्म्य को प्राप्त हो जाएगा जीव, तो वृत्ति सारूप्य न सही चित्त सारूप्य की प्राप्ति होगी, वो भी मैंने परसों कहा था। तो ये स्वभाव है, क्या स्वभाव है? वृत्ति विनिर्मुक्त होते ही चित्त जो है वो चिन्मात्र चैतन्य के सारूप सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। चैतन्य चित्त के सारूप्य को न प्राप्त होकर चित्त ही चैतन्य के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तादात्म्य को। पूरे योग दर्शन पर जितने भाष्य टीकाएँ हैं सबका सारांश मैंने 5 मिनट में बता दिया, किनकी कृपा से? इस ये जो योग का ज्ञान हमको भगवान सूर्य से प्राप्त है और गणित का ज्ञान भी, ये वेदांत का ज्ञान, गणित का ज्ञान, योग का ज्ञान, ये भगवान सूर्य से इस जीवन में भगवान सूर्य से प्राप्त। गुरुदेव का सब देवताओं के मूर्त स्वरूप गुरुदेव, उनका पूरा आशीर्वाद पाने के लिए। आपने बता दिया जीवन लग जाए किसी को धारण करना। हाँ, अब यही है ना कि मैं संकोच में ही बोल रहा हूँ, अब अगर जो पढ़ाया जा रहा है सचमुच में जिसको तत्व की अनुभूति ना हो वो तो अर्थ करता जाएगा, पहली नहीं खोल सकता क्योंकि न समाधि में गति है न तत्व। वो तो पढ़ाता जाएगा वेदांताचार्य होने के लिए, वेदांताचार्य कराने के लिए अनुभूति के सामने। तो समाधि का वर्णन कर लो, खूब महिमा गा लो, कुर्सी पर बैठे हुए पाँव हिलाते हुए भी समाधि लग सकती है, कहते रहो। चले चली को ठगने के लिए बहुत बढ़िया धंधा है, इससे काम नहीं चलता। समाधि कितनी सूक्ष्म चीज़ है। क्या वृत्ति सारूप न सही चित्त सारूप तो बंधन है। तो योग दर्शन वाले अगर पूछ दें कि योग दर्शन में कहा कि वृत्ति का निरोध क्यों अपेक्षित है, तो वृत्ति सारूप्य को पुरुष प्राप्त हो जाता है चेतन। तो न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी, वृत्ति नहीं रहेगी। तो वृत्ति सारूप्य को जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सामने बच्चा है नाश्ता गाता है तो माता पिता भी यूँ यूँ उसके तोतली बोली, बच्चा अपने गया तो माता पिता अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वृत्ति नहीं रहेगी तो जो चैतन्य है दृष्टा है साक्षी है प्रत्येगात्मा है वो वृत्ति शून्य वृत्ति के सारूप्य को वृत्ति के अनुरूपता को वृत्ति से तादात्म्यपत्ति को प्राप्त नहीं होगा। अब इस पर मेरा पूर्व पक्ष है, वृत्ति न सही। जब हम जल तरंग को देखते हैं तो हमारी मनोवृत्ति तरंगाकार होती है, तरंग शून्य जल को देखते हैं फिर भी तो हमारी मनोवृत्ति नेत्र के द्वार से जलाकार होती है। तो अन्याकार तो ही गई ना, क्या तरंगाकार न सही जलाकार सही। ऐसे ही वृत्ति सारूप्य को जीव प्राप्त भले ही ना हो वृत्ति निरुद्ध हो जाने पर, लेकिन चित्त सारूप्य को तो प्राप्त हो जाएगा। तो वृत्ति ही अनात्मा हो ऐसी बात तो नहीं, चित्त भी अनात्मा है। उसका उत्तर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने दिया, चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। मोटी भाषा में वृत्ति के निरुद्ध हो जाने पर चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र होकर शेष रहता है। उसमें भी बहुत है, वेदांती जो हैं वो समाधि में वृत्ति मानते हैं, सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो व्युत्थान दशा में समाधि टूटने पर इतने समय तक मैं सोया, इस प्रकार का स्मरण कैसे होगा? कोई ग्रंथ हम लिख रहे थे उसमें हमने समाधि पर बहुत कुछ लिखा है, कौन सा ग्रंथ अभी छपा नहीं है, उसमें हमने संकेत किया कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो योग दर्शन से तालमेल बैठाने के लिए ये पांचों प्रकार, क्योंकि वेदांती जो हैं योग दर्शन के जो पदार्थ हैं अहम तत्व महत्ता सृष्टि संरचना को लेकर जो योग दर्शन में पदार्थ निर्धारण है वो तो सांख्यों की अपेक्षा एक ही तत्व अधिक है,
पुरुष विशेष ईश्वर तत्व, बाकी सब ज्यों के त्यों हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य महाराज ने भाष्य में लिखा ब्रह्मसूत्र के कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग को लेकर वेदांतों में कोई विज्ञान नहीं है। यम नियम क्योंकि वो उपनिषदों से ही तो प्राप्त है, सांडिल आदि उपनिषद से ही तो प्राप्त है ना, महोपनिषद सांडिल उपनिषद, इसमें दोनों एक हैं। पदार्थ गणना को लेकर असहमति होने पर भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को लेकर वेदांत और योग प्रस्थान में कोई भेद नहीं है। वेदांती ज्यों के त्यों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को मानते हैं। ये समाधि की चर्चा हो गई। अब यहाँ जो विषय चल रहा था तो वो प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, प्राण और मन विवक्षावसात, क्या प्राण का उत्कर्ष क्यों है, प्राणस्पंदन ही अंतःकरण का जीवन है, प्राणस्पंदन है, प्राण अगर शरीर को छोड़ दे तो अंतःकरण प्राण विहीन होकर थोड़े रह सकता है, इसलिए प्राण का जीवनी शक्ति की दृष्टि से प्राण का महत्व है, चेतना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हाँ किसका महत्व है, अंतःकरण का महत्व। मालिक सोता है और पहरेदार पहरा देता है, अंतःकरण सोता है और प्राण इस दृष्टि से, लेकिन जीवनी शक्ति की दृष्टि से क्या, एक सोया हुआ है एक जगा हुआ है। यद्यपि अब उस पर भी बहुत शास्त्रार्थ है, क्या कहते हैं बाल से खाल निकालना, अभावनात्मक वियोग सुसुप्ति में प्राण का रहता है, अभावनात्मक वियोग ना हो तो प्राणस्पंदन का भान ही बना रहे तो नींद नहीं आएगी, अभावनात्मक वियोग रहता है लेकिन दूसरों की दृष्टि में प्राणस्पंदन विद्यमान है इसलिए अमुक व्यक्ति जीवित है, अपनी दृष्टि में प्राण भी नहीं है, पर दृष्टि या स्वदृष्टि में भेद हुए न, ये व्यक्ति सांस ले रहा है तो जीवित है, खर्राटे लेके सो रहा है या मूर्छित है तो जीवित कैसे है प्राणस्पंदन को लेकर, लेकिन जो सुप्त व्यक्ति है उसकी दृष्टि में तो प्राण का भी भान नहीं है, तो प्राणों की प्राण की विद्यमानता होने पर भी प्राण का भावनात्मक वियोग सुसुप्ति में है, यह शब्द रचना अपनी ओर से की गई है। अभावनात्मक वियोग, अभावनात्मक वियोग प्राण का सुसुप्ति में है, इसलिए चेतोमुख है, 19 करण न होकर चेतोमुख हो जाते हैं हम, कौन हम आप सुसुप्ति में, हमारा मुख माने करण उपलब्धि द्वार क्या है, चेतः चेत, इसको कहते चेतोमुख, एको नविंशत मुख है चतुर्दश मुख, 19 मुख चतुर्दश मुख, 19 मुख चतुर्दश मुख और चेतोमुख। मांडूक उपनिषद का अध्ययन कर लेने पर भी ठीक ठीक स्वप्नावस्था का ज्ञान नहीं हो सकता अगर बहुत बारीकी से भाष्य और आनंदगिरी टीका सहित अध्ययन नहीं किया तो। शारीरक उपनिषद आदि जो हैं उनको मिलाकर मांडूक उपनिषद का अध्ययन करें तब काम चल सकता है। जागृत में भी 19 मुख हैं जीव के, स्वप्न में भी 19 मुख हैं, मुख माने उपलब्धि द्वार, सन्मुख हो जीव वही जब ही, मुख माने उपलब्धि द्वार, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन निष्ठा तत्परायणा, ये सब बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण और प्राण, इनका नाम है मुख। उसमें करण कोटि प्रविष्ट 14 वस्तु हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय 10 और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14, 19 की गणना 5 प्राणों को लेकर करते हैं। लेकिन स्वप्न में क्या है, प्रातिभाषिक ढंग से हमको 14 करण की प्राप्ति होती है, वस्तुतः क्या है कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो जाएं और मन
अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के योग से फिर स्वप्न प्रपंच की अभिव्यक्ति होती है। स्वप्न प्रपंच में आत्मचेतन से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना और निद्रा दोष की प्रगल्भता से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के सुप्त हो जाने पर भी समग्र ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है। यह स्वप्न है क्या? अब एक वाक्य बनाने में कितना समय हमको लगा होगा? पूरी चरक संहिता और छांदोग्य श्रुति के आठवें अध्याय का भाष्य, मांडूक्य कारिका, पूरी शारीरक उपनिषद, इन सब को पढ़ करके इस एक वाक्य की संरचना हुई है। आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत होकर कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर भी सकल दृश्य प्रपंच के रूप में ही नहीं ग्राह्य ग्राहक भाव रूप में परिणत होता है, अभिव्यक्त होता है, स्फुरित होता है। अब इस वाक्य को बनाने में कहने को तो एक वाक्य है, परंतु इस वाक्य इस भाव को प्राप्त करने में कितना 2-3 साल का अध्ययन चाहिए। तो पाठ से लाभ क्या होता है? अब हम सोचते हैं जब हम ग्रंथ लिखते हैं, ये पढ़ के सुनाते हैं, भोजन प्रसाद पाना भी तो हमारा अध्ययन है, ये सुनाते रहते हैं, इनका भाग्य कितना ऊंचा होगा। हमको जो आजकल विषय सूझ रहा है, पहला अध्ययन है, पूर्वजन्म का अध्ययन है, वो हम ग्रंथ में लिखते हैं, तो ये जो पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, पूछते हैं, बहुत सी चीज़ भविष्य में आ सकती है, लेकिन इनको इस समय वो लाभ हो रहा है तो कम क्या हम हर व्यक्ति को कहेंगे भी नहीं कि पढ़ के सुनाओ, बट्टे खाते में उसको ज्ञान का खजाना मिल जाएगा क्या? बट्टे खाते में तपस्या न होने से पचेगा नहीं, क्या समझ गए ना कितना लाभ हुआ हमको? जो ये भूखे रह के प्यासे रह के गंजा हो गया शरीर, जो ज्ञान मिला है पढ़ने वाले को, तो एक घंटे में वो ज्ञान जो है वो कम से कम एक एक घंटे का जो पाठ है प्रवचन है वो 10-10 वर्ष परिश्रम चाहिए कम से कम। तो श्रोताओं को लाभ हुआ है नहीं भाई? किसी ने किस वैज्ञानिक जो है किसी यंत्र का आविष्कार किया, मोबाइल का, परंपरा से सही एक व्यक्ति ने सही मोबाइल का लाभ किया, उसका लाभ मोबाइल का आविष्कार किया उसके पूछो, लेकिन लाभ उठाने वाले को लाभ होता है या नहीं? इसलिए हमारे ज्ञान विज्ञान के शंकराचार्य महाराज ये सब ने जो ज्ञान विज्ञान दे दिया उससे हम लोग लाभान्वित हो रहे। एक जगह पिता पितामह ने जो ज्ञान बटोरा दिया वो हमको एक साथ मिल गए। इसलिए बनिया वृत्ति, अब मैं पाठ की ओर जाऊंगा, बनिया वृत्ति चाहिए इसमें। बनिया वृत्ति मतलब पिता पितामह के द्वारा प्राप्त जो संपत्ति है, जब तक विद्या अध्ययन न हो जाए, विवाह न हो जाए, पाँव पे खड़े न हो जाए, तभी तक उपभोक्ता हो सकता है। वैसे यही सोचता है। एक व्यक्ति से मैंने कहा, छत्तीसगढ़ का, वो दिखता नहीं अब, तुम कहते हो गरीबी से तंग हूँ और अमुक ब्रह्मचारी कहते हैं अग्निशिखा की बहुत धनी हो। महाराज आप, हम बनिया, पिता पितामह जो धन दे गए उसको उपभोक्ता हम जब बच्चे थे विद्यार्थी थे, पिता ने विवाह करा दिया वहीं तक, अब हम जो उस धन का उपभोक्ता हो जाएंगे तो हम वैसे कहाँ रहे? हमारा कर्तव्य है कि हम और धन जोड़ें अपने बेटे के लिए रख जाएं। अगर पिता पितामह के द्वारा अर्जित धन विवाह हो जाने के बाद भी हम हाथ पे हाथ रख के, तो हम वैसे कैसे? तो हमने संकेत किया हम लोगों का क्या दायित्व है, गुरु परंपरा से जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है वो तो पिता पितामह की परंपरा से प्राप्त है, उसको पचावें, अतिरिक्त भी ज्ञान विज्ञान उसको विकसित करने का प्रयास करें क्या, तब तो हुए ना शिष्य। हम कभी सोचते हैं, बताया वह था आनंद वृंदावन में, पिता पितामह की परंपरा भी बहुत विद्वानों की रही है, फिर पूर्वाचार्य महाभाग से पढ़ा है, पूर्व गुरुदेव से पढ़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिन महापुरुषों से पढ़ा
उतना ज्ञान संभालना, फिर बन सके तो उसको और विशद करना, कितना दायित्व होता है क्या। यही हुआ। चलो भाई अब पंक्ति की क्या भामती की ओर चलें। भूतेन्द्रियादिषु अनुगता देवता, अनुगत होकर के नियामक होते हैं क्या। भूतेन्द्रिय में भूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें देवता अनुगत होते हैं। भूत का अर्थ पंचभूतों का तारतम्य संघात, जो हमारा आपका शरीर है ये भी भूत ही है। देवता का सांगोपांग ज्ञान प्राप्त करना हो तो सूत संहिता पढ़नी चाहिए। हमने किसी ग्रंथ में लिखा भी है, किस ग्रंथ में पता नहीं, क्या कर्मेंद्रियों के देवता का हम लोगों को नाम मालूम है, ज्ञानेंद्रियों के देवता का नाम मालूम है, अंतःकरण चतुष्टय के देवता का नाम मालूम है, बहुतों को प्राण अपान व्यान उदान समान के देवता का नाम नहीं मालूम। ये तो सूक्ष्म शरीर के, मन के देवता कौन हो गए, चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहंकार के देवता शिव, ऐसे ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की। लेकिन स्थूल शरीर में जो सप्त धातु हैं, इनमें किसके कौन देवता हैं, इन सब का ज्ञान सूत संहिता से। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो विश्व रूप दर्शन चित्र खींचा है ना गीता प्रसादी में, जो भगवान के विराट स्वरूप का चित्र खींचा है या नहीं, कहाँ कौन से देवी देवता हैं, ऐसे अगर हमारे स्थूल शरीर का, हमारे आपके स्थूल शरीर का क्या सूत संहिता के अनुसार चित्र खींचा जाए, किस अंग में किस प्रत्यंग में कौन से देवता सन्निहित हैं, तो हमारा आपका शरीर भी बहुत विराट हो जाएगा। तो ये सूत संहिता की विशेषता। सूत संहिता स्कंद पुराण का अंश मान्य है, उस पर विद्यारण्य स्वामी, जिनके पूर्वाश्रम का नाम था माधवाचार्य, दिल्ली वाले माधवाचार्य जी नहीं, वो विशिष्टाद्वैतवादी थे दिल्ली वाले, माधवाचार्य सायण माधव, बड़े छोटे भाई से वेद पर भाष्य लिखवाया सायणाचार्य, और अपने माधवाचार्य, कोई कहते कि इन्हीं का नाम था, कौलिक नाम है सायण माधव, जो भी हो, इन्होंने जो भाष्य लिखा है हमको बहुत प्रिय है। तो स्थूल शरीर में भी रग रग में अंग प्रत्यंग में देवता हैं, उन सब का ज्ञान हो तो यह पंक्ति लगेगी क्या। भूतेन्द्रियादिषु अनुगता देवता, भूतेन्द्रियादि में अनुगत हैं, अनुगत होकर नियामक। अनुगत हुए बिना अगर कोई नियामक होगा तो उसमें नियामकत्व गौण है क्या। वो स्विच ऑन कर दिए, बल्ब जलने लग गए क्या, एसी स्टार्ट, अब अनुगत तो हम नहीं हैं और नियामक हो गए, यह नियामकता गौण है। हाँ गौण है, मुख्य नहीं है। इसीलिए कहा भूतेन्द्रिय सर्वत्र भी है, सर्वत्र भूतेन्द्रियादिषु अनुगता देवता है, भूत इंद्रिय आदि में अनुगत हैं देवता। फिर क्या है, अभिमानिनी हैं, तादात्म्यापत्ति। एक विचित्र बात है, वेदांत का अध्ययन रहने दीजिए, वो कौन था बड़ा हंसाता था, वो अब वहाँ है, कोरे न कारण नहीं आ रहा है, हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण था, साथ में रहता था काशी में, पंखा चला के अपने आश्रम में, तीन चार व्यक्ति सोए हुए थे, एक पंखे से बिजली के चिंगारियाँ निकलने लगी, वो देवियों से जग गया, भगा कि हम तो पहले बाहर जाकर चिल्लाया बचो बचो। तो बड़ा हंसमुख बहुत है, हंसाता खूब है। तो क्या हुआ, वो क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब भले ही कोई समझे कि शरीर जो है पांच भौतिक है, कोई विपत्ति आ जाएगी, अगर किसी में ममता ज़्यादा नहीं है तो अपने शरीर को लेके भागेगा। निसर्ग सिद्ध जो तादात्म्यापत्ति है अपने शरीर में है या नहीं,
लेकिन पृथ्वी पृथ्वी या नहीं यह स्थल एक शरीर पृथ्वी में अनुगत हो करके जो पृथ्वी के नियामक हैं अभिमानी सम जैसे हम इस शरीर को अपन आत्मा मान लेते हैं ऐसे ही पृथ्वी का जो नियामक होते हैं वो पृथ्वी उनको को अपना शरीर मानते हैं संपूर्ण पृथ्वी को अपना शरीर मानते हैं तो देवता को छुई मुई होते हैं क्या क्या हुआ पृथ्वी के मिट्टी बोली पृथ्वी बोली पृथ्वी के अधिदेव जो होंगे और जल के अधिदेव हमने बताया था ना पांचों पांडव कौन है सामान्य है क्या आकाश के अधिदेव का जन्म हुआ युधिष्ठिर के रूप में महाराज युधिष्ठिर वायु के अधिदेव का जन्म हो गया भीमसेन के रूप में तेज के अधिदेव का जन्म हो गया अर्जुन के रूप में जल के अधिदेव का जन्म हो गया नकुल के रूप में और पृथ्वी के अधिदेव का नाम हो गया सहदेव के रूप में तो पृथ्वी के जो अधिदेव हैं फिर जो जल के वरुण कौन है सामान्य है क्या पूरे जल में जिनकी तादात्म्य पत्ति है तो पृथ्वी का कारण कौन है जल तो पृथ्वी जो जल के नियामक हैं वो पृथ्वी के नियामक होंगे या नहीं समष्टि पृथ्वी और समष्टि जल कौन चंद्रमंडल में जल है या नहीं मंगल में जल है नहीं हमने विद्यार्थी जीवन में एक लेख लिखा था बहुत महत्वपूर्ण माना गया उसमें बहुत पुरस्कार मिला ग्रहों पर जीव जंतु स्कूल की वार्षिक पत्रिका में ग्रहों पर जीव जंतु उन दिनों तो सब अध्यापक ऐसे लट्टू हो गए कि कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा या भी विज्ञान जानता ही नहीं कुछ उस समय ग्रहों पर जीव जंतु एक लेख लिखा था वार्षिक पत्रिका में तो अब जो पृथ्वी अब जल यहीं थोड़े है मर्तलोक में जहाँ ग्रहों की रचना ही उस आधा जो चंद्रयान की बात हुई ना दो मैंने चंद्रयान में कोई राय नहीं दी लोगों ने उड़ा दिया कि पुरी के शंकराचार्य के परामर्श लेकर चंद्रयान ये सब बात झूठी उस संस्थान में मैं प्रवचन कर चुका था और जब चंद्रयान दो सफल हुआ उसके बाद हमने ग्रहों पर 7-8 मिनट का वक्तव्य दिया था एक लिखित वक्तव्य दिया था यह ठीक है तो ग्रहों की संरचना जो ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में है वो बिना जल और पृथ्वी के योग से और तेज के योग से ग्रह की रचना ही नहीं हो सकती है तो ग्रहों की रचना का हम लोगों को विज्ञान है तो अब पृथ्वी मर्त्यलोक में ही थोड़े जल है चंद्रमा पर जाएंगे जो ग्रह हैं वहाँ पर जल उस लोक के अनुरूप जल का स्वरूप सूक्ष्म या स्थूल विद्यमान है तो सकल जल राशि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितनी भी जल राशि है उसको अपना शरीर मानने वाले उसमें तादात्म्य पत्न जो जीवाधिष्ठित देवता है उसका नाम वरुण है तो वरुण को छुई हुई है भागवत में आगे आएगा जो अध्याय चल रहा है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि वरुण के पुत्र ब्राह्मण आजकल क्या क्या उड़ाया जा रहा है वो महाभारत में जो वाल्मीकि हुए हैं उनके साथ वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि को जोड़ दिया जो अध्याय चल रहा है भागवत उसमें आगे आएगा कि वरुण के पुत्र हैं कौन वाल्मीकि जी जो वरुण के पुत्र हैं ब्राह्मण हैं तो वरुण कौन हो गए चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में और अगर आगे कहें तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जल राशि है उसमें तादात्म्यपन्न चित धातु का नाम वरुण नामक देवता है भूदेवी प्रकट होती ना भूदेवी कौन है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ पृथ्वी है उसमें तादात्म्यपन्न जो अधिष्ठात्री देवी है देवता है उसका नाम पृथ्वी है भूदेवी सामान्य है क्या ये कहा हाँ अन्य गांवों में जो मिट्टी है उसमें भी जो तादात्म्यपन है वो ही भूदेवी मानी जाएगी हाँ वहाँ उतने अंश में भूदेवी मानी जाएगी अलग देवता नहीं होगी हाँ उनके देवता अलग नहीं होंगे ग्रह ग्रह जो होंगे चंद्र ग्रह में अब विज्ञान का विषय है चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के बिना हो सकती है क्या जल और तेज की प्रधानता होने पर चंद्रमा में जल की प्रधानता तेज अंतर्निहित और पृथ्वी में उस स्थायित्व लाने के लिए पृथ्वी
स्निग्धता लाने के लिए जल, प्रकाश लाने के लिए तेज, और जीवनी शक्ति चंद्रमा में है। सोम भूत व रसात्मक का तो वायु, और आकाश के बिना तो वायु आदि स्थिति नहीं होगी। पंचभूतों में जल और तेज की प्रधानता है चंद्रमा में। तब चंद्रमा को जब हम देवता कहते हैं तो चंद्रमा क्या हुए जी? कितने देवों का समुदाय मिलकर के चंद्रमा बने? सामान्य बात थोड़े। चंद्रमा जब हम क्या कहते हैं, चंद्रमा को भौतिक मानेंगे ना आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, तो पृथ्वी का जितना अंश है, जल का जितना अंश है, रेशियो अनुपात जिसको कहते हैं, तेज का जितना अंश है, वायु का जितना अंश है, आकाश का जितना अंश है, पंच देवता तो ये हो गए। पंच देवता के योग से बन गए चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है देवता जब लेंगे, चंद्रमा ग्रह उसका हिमानी देवता हो गए, तो पंचभूतों के मूर्त स्वरूप का नाम चंद्रमा हो गया। यानी चंद्रमा में ही शेष बाकी पांच देवताओं का अंतर्भाव हो गया या नहीं? चंद्रमा माने जितना अंश रेशियो अनुपात पृथ्वी का है चंद्रमा आदि भौतिक दृष्टि से निर्माण में, चंद्रमा में जितने अंश पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, वायु का है, आकाश का है, उतने तो पांच तो देवता हो ही गए। वो पंच देवता जिनके अंदर समाहित हो गए वो चंद्र देवता हो गए। देवताओं का स्वरूप भी वेदांत का अध्ययन किए बिना थोड़े समझ में आएगा। मिथिला में एक कहावत है नास्तिकों के लिए, देव पितर सब पेट भीतर, न देवता न पितर, इसीलिए कहा। अब एक एक पंक्ति कितनी व्याख्या करेंगे तो कब ग्रंथ पूरा होगा। तो सर्वत्र भूतेन्द्रियादिस्वनगता देवताभिमानिनी रूपदिशन्ति मंत्रादया। मंत्रादि जो हैं सर्वत्र ही क्या करते हैं, माने जहाँ तहाँ, ये नहीं कि एक ही जगह कह के चुप रह जाएं। मंत्रादि क्या करते हैं वे? भूत इंद्रिय में अनुगत देवताओं को अभिमानिनी के रूप में, माने नियामक अभिमानी, तादात्म्य आपत्ति होती है। पृथ्वी में तादात्म्यपन का नाम, पृथ्वी में तादात्म्यपन देव का नाम क्या हो जाएगा, या देवी का नाम भूदेवी, भूदेव, भूदेवी। जल में तादात्म्यपन देवता वरुण हो गए, ऐसे ही तेज में तादात्म्यपन देवता इंद्र हो गए मान लो, वायु में तादात्म्यपन देवता वायु देवता हो गए, आकाश में तादात्म्यपन देवता दिग देवता हो गए। ये इधर क्या होता है, पंचदेव माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के देवता का नाम क्या क्या हो गया? पंचदेव। पंचदेव में कौन कौन है? सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का नाम लिया पृथक से, सूर्य का नाम नहीं लिया। सूर्य ब्रह्मा में तादात्म्य पति, ये पंक्ति कहाँ की है? आल्हा उदल के अपने पास है आल्हा उदल। आल्हा उदल का मंगला चढ़ना ये। अरे पहले तो उत्तर प्रदेश में आल्हा उदल इतने गाते थे लोग, रात रात भर झूमते रहते थे 60 साल पहले। अब आल्हा उदल ऐसा तो सिनेमा गीत ने सबको खो, उत्तर प्रदेश में तो रात रात भर आल्हा उदल। हाँ आल्हा, आल्हा उदल तालाब भी है ना मध्य प्रदेश में सतना के, आल्हा उदल तालाब भी है। हाँ मैहर के पास हम पैदल गए हैं, आल्हा उदल तालाब भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आल्हा उदल जो पुस्तक है ना, वो उसी का मंगलाचरण अपने पास है आल्हा उदल। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, तो दो देवता हो गए ना भवानी और गणेश, पंच देव रक्षा करें तो तीन तो बच गए ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ जो ब्रह्मा है वो सूर्य के स्थान पर, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सूर्य में एक रूपता है, पंच देव हो गए या नहीं? ये हो गए भूतेन्द्रियादि स्वनगता देवताभिमान, ये हो गया। अपिच भूयस्य श्रुतयोग निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशद वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद आदित्यस्य चक्षुर भूत्वा क्षणी प्राविशद इत्यादय इंद्रिय विशेषगता देवता दर्शयन्ति। ये जो श्रुतियाँ हैं एक दो थोड़े हैं, क्या क्या दिखाती हैं? अग्नि जो हैं वो वाक हो करके मुख में प्रविष्ट हो गए, इसका मतलब अधिदैव ही अध्यात्म भावापन्न होकर अधिभूत में प्रविष्ट होते हैं। अग्निर्वाग भूतवा है, बहुत बढ़िया।
अब मुख में प्रविष्ट हो गए, मुख क्या हो गए, ये मुखगत, मुख क्या हो गए, अभिव्यंजक संस्थान अधिभूत, ये अधिभूत एक प्रकार से, और वाक इंद्रिय अध्यात्म, और अग्नि हो गए अधिदैव। अग्नि स्वयं को अध्यात्म संज्ञक वाक इंद्रिय के रूप में अभिव्यक्त करते हैं और अभिव्यंजक संस्थान में जाकर प्रविष्ट हो जाते हैं। हो गए लिखा है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, हम प्राय कहा करते थे तेज नामक जो भूत है वो हमको मूर्त देवता के रूप में, विग्रहयुक्त देवता के रूप में दिखाई पड़े तो उसके जो अंग उपांग हैं सब क्या होंगे, तेजो मात्र होंगे या नहीं, तेजो रूप होंगे या नहीं, प्रातित्विक भेद होने पर ही तेज ही। ऐसे यहाँ पर तेज जो हो गए, अग्नि जो हो गए, क्या किया उन्होंने, वाक इंद्रिय के रूप में, वाक इंद्रिय के अधिदैव कौन है, अग्नि। लेकिन यहाँ क्या बात कही, वो जो अधिदैव हैं वही अध्यात्म हुए हैं, क्योंकि ग्राह्य ग्राहक भाव, अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव, पोष्य पोषक भाव किस में होता है, साजात में होता है, वैजात में नहीं। हंस रहे, बोलो एक भी वाक्य बोलो। ग्राह्य ग्राहक भाव, पोष्य पोषक भाव किस में, साजात में होता है, वैजात में नहीं। तो ये भी एक विचार बात है। ये जो पंक्ति है ना, भूतेंद्र आदि सु अनुगता देवता, अनुगत क्यों हो गए जी, जो जिस रूप में प्रकट होता है वह उसमें अनुगत होता है, ये सिद्धांत निकला। अग्नि देवता ही वाक, माने अग्नि देवता ही वाक संज्ञक अध्यात्म हो गए तो स्वाभाविक है कि वाक में सन्निविष्ट हो कौन, अग्नि। तटस्थ होकर नियामक नहीं है, तादात्म्यपन्न होकर नियामक है। जिसमें तादात्म्यपन्न है वो भी अपने संकल्प से भी स्वयं ही बने हैं, तो बंधन की प्राप्ति होगी या नहीं, कैसे होगी। अगर बोध है जिसमें तादात्म्यपत्ति है, अगर वो स्वयं ही वो बना हो तो, एक ऋषि का वर्णन है अपने पुराणों में, उनको हुआ कि विवाह करना चाहिए, विवाह करना चाहिए तो जैसे सुंदरी पत्नी होनी चाहिए, कोई की कोई है नहीं, तो अपने संकल्प से उन्होंने उस सुंदरी को प्रकट किया। एक राजा को कहा कि जब उचित समय होगा तब मैं विवाह करूंगा, इसको पालो पोसो। लिखा है, इतिहास है, पुराण है। क्या ऐसे लोग ऋषि लोग होते थे, तो पत्नी कौन, पत्नी भी वही हुए या नहीं, स्वप्न में किसी का विवाह हो जाए। तो पति और पत्नी में विभाजक रेखा केवल प्रातितिक है या वास्तविक, एक है ब्रह्मा जी मन सतरूपा हो गए या नहीं, एकम ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मा ज्योतिरधु रभूद्वेधा राधा माधव निमुखम। तो देवता यहाँ बद्ध हुए या मुक्त, अभिमाननी कहने पर लगता है कि जैसे हम देहेंद्रिय आदि में अभिमान करते हैं ऐसे देवता, तो इसके लिए आँख खोलने वाली पंक्ति है, अग्निर्वाग भूतवा, जिसके वो अभिमानी हैं, जिसमें तादात्म्यपन्न परिलक्षित होते हैं, अपने संकल्प से वो स्वयं ही वो बने हैं। अब जो अभिमानी है, अभिमानिनी देवता हैं या तादात्म्यपन्न देवता हैं, वो हमारे आपके समान हो गए क्या, जिसमें हम तादात्म्यपन्न हो, हमको मालूम हो कि हम वही बने हैं, तब जो तादात्म्यपत्ति है, अहमिति है, वो निबंधिका हो सकती है क्या। जीव है तो मैंने तेज में तारात्मक पत्ती होगी किया, आखिरी में देवता जीव है, जीव ही जीव तो कर्मोपासना के फलस्वरूप देव योनि को प्राप्त करता है। कैमुतिका न्याय से जीव का उत्कर्ष सिद्ध हुआ या नहीं, देवता जिस करण के जो देवता हैं या पृथ्वी के जो देवता हैं, भूत भी लिखा ना और इंद्रिय भी लिखा, इंद्रिय का दृष्टांत दिया गया, भूत भी है समझ लें, जिस इंद्रिय के जो देवता हैं वो देवता ही इंद्रिय बने हैं,
अब उसके अभिमानी हैं, माने नियामक भी हैं, अनुगत भी हैं, तब अभिमान जो उनका होगा कैसा होगा? निबंधक होगा। और तादात्म्य अनुगति क्यों होगी? क्योंकि वो स्वयं वही बने हैं, अनुगत भी हैं, तादात्म्यपन भी हैं, अभिमानी भी हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान है कि मैं स्वयं ही ये बना हूँ, क्यों बना हूँ, अब वही स्थूल रूप से मुख भी होते हैं। अभिव्यंजक संस्थान, अभिव्यंग इंद्रिय और उद्दीपक अधिदैव तेज, तीनों रूपों में एक ही तेज विद्यमान है। अग्नि का दो रूप हो गया, एक तेजो रूप हो गया, एक अधिदैव रूप हो गया। तेज में तादात्म्यपत्ति तो मानना पड़ेगा इनकी, अग्नि तेज ही, तेज ही तो है ना, मूल में कौन है? तेज, पंचभूतों में तेज है वो तेज ही। फिर क्या, अधिदैव के रूप में, अध्यात्म के रूप में, अधिभूत के रूप में व्यक्त है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में, बारहवें स्कंद में। कहाँ था? मुखम प्राविशत, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। बढ़िया, वायु जो है वो प्राण हो करके फिर नासिका में प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार से एक एक का लगाने चाहिए। इत्यादि या इंद्रिय विशेषगता देवता दर्शयंती, आदि जो श्रुतियाँ हैं, इंद्रिय विशेषगता देवता दर्शयंती, इंद्रियादि हैं उनमें विशेष, विशेष का प्रयोग क्यों किया शंकराचार्य ने? नियम या नियामक के दृष्टि से इंद्रियों के अतिरिक्त देवता का उल्लेख श्रुतियों ने किया है। इंद्रियां अचित हैं, लेकिन उनका नियमन करने वाले, उनमें अभिमान करने वाले जो देव हैं वो चेतन हैं। नैन देवा अपनवन पूर्वमर्षत, ईशावास्य उपनिषद में देवा शब्द का जो प्रयोग किया गया है किसके लिए? इंद्रियों के लिए, द्योतनशील होने पर भी। लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा देवताओं में विशेषता क्या है? उर्दू में बोलेंगे तो खासियत क्या है? इंद्रियों की अपेक्षा देवताओं में विशेषता क्या है? इंद्रिय नियम में हैं, देवता नियामक, इंद्रिय भाष्य हैं, देवता भाषक हैं। यह तो घंटी बज गई क्या? अच्छा, देवताश्च, बहुत बढ़िया ये पंक्ति है, क्या कहना? देवताश्च क्षेत्रज्ञ भेदाश्चेतना, देवता जो हैं क्षेत्रज्ञ के भेद विशेष चेतन रूप हैं। क्षेत्रज्ञ ही अधिदैव के रूप में अभिव्यक्त है कर्मोपासना के फलस्वरूप। देवताश्च क्षेत्रज्ञ भेदा, क्षेत्रज्ञ के ही विशेष रूप का नाम देवता है जो कि चेतन हैं। इंद्रियों की अपेक्षा देवताओं में चेतना शक्ति उद्दीप्त है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ के विशेष रूप भेद रूप में ही तत्त्व देवता की अभिव्यक्ति हुई है। क्षेत्रज्ञ एक होने पर भी कर्णग्राम के भेद से देवताओं में भेद है, लेकिन कर्णग्राम में अनुगत होता हुआ कर्णग्राम का जो नियामक है उसका नाम अधिदैव है, और समग्र अधिदैवों का जो उद्गम स्थान है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। ओम नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हर हर महादेव।